राकेश कठेरिया साहब को दिखाइए आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आपकी पार्टी ने 181 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ा। कठेरिया साहब, आप पाटीदार आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, लेकिन जो दो बड़ी फाइंडिंग्स हैं हमारे इस एक्सेस सर्वे की, उसको आप ध्यान से सुनिए। एक तो बीजेपी रिकॉर्ड जीत, और पश्चिम बंगाल में जो वाम दलों का था उसके बाद से एक नया रिकॉर्ड इस देश में बनाने वाली है, वो भी प्रचंड जीत के साथ। दूसरी सबसे बड़ी बात जो फाइंडिंग है वो ये है कि आम आदमी पार्टी को न राम मिले न रहीम साथ आए। आपने जो हिंदुत्व प्लैंक वहां पर गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने की बात कही, वहीं से मामला आपके लिए पलट गया। इससे पहले मुस्लिम दलित आदिवासी जो वोट है, मतलब 3 महीने 4 महीने पहले प्रदीप जी मामला आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस तरह की स्ट्रैटेजी को गुजरात की जनता ने नकार दिया और कांग्रेस को नंबर टू पार्टी बना दी, आप नंबर थ्री पर फिसल गए। दोनों पर आपका देखो, आपने जो पहली बात की कि भाजपा प्रचंड जन समर्थन है, वो एग्जिट पोल वाले आंखें हम उसमें विश्वास नहीं करते। देखिए, हम बात करते हैं कि पूरे सर्वे में आज तक दिल्ली में जहां हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, तो कोई सर्वे में ना तो हम पंजाब में थे ना तो हम दिल्ली में। तो पंजाब में भी हम सरकार में आए, दिल्ली में भी हम सरकार। दिखाया था कि पंजाब में आपकी सरकार बन रही है, वो लोगों ने पंजाब में आपकी सरकार आम आदमी कठेरिया सीटें दी थी प्रदीप जी ने, और वही वो सही हुआ था, तभी से हम लोग इसको एग्जैक्ट पोल भी कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी अगर शिकायतें हैं बोलिए, एग्जिट पोल को लेकर जो नंबर सही है वो नंबर सही रहेंगे कठेरिया साहब, लेकिन पंजाब में बता दें आपको भी और दर्शकों को भी, पंजाब में 90 सीट दिए थे और आज भी एमसीडी में आपकी बना रहे हैं, वो वाले तो सब हाँ में हाँ मिला रहे थे, यहाँ पर दिक्कत हो रही है। लेकिन ठीक है, एमसीडी में बोलना चाहूंगा मैडम, एमसीडी में मैं बोलना चाहूंगा, एमसीडी में हम एक तरफा रहेंगे, आपके जो आंखे उससे भी बढ़ोतरी होगी, एमसीडी में हम एक तरफे रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ अभी गुजरात की, तो हमने पंजाब का भी एग्जिट पोल देखा है, दिल्ली का भी एग्जिट पोल देखा है, वहां हमारी 2-3 सीट लग रही थी तो वहां हमारी सरकार बन गई। जिस तरह आज मीडिया में 5-7 सीट लग रही है आम आदमी पार्टी की, इस तरह दिल्ली और पंजाब में भी ऐसे ही लग रही है तो हमारी सरकार बन गई। हम आपसे यही कहना चाहते हैं आज तक के माध्यम से, हम सर्वे में नहीं आते हैं, सीधे सरकार में। सर्वे में नहीं आते हैं, सीधे सरकार में आते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन हाँ जल्दी प्रदीप जी एक रिएक्शन देना चाहिए। कठेरिया साहब के लिए मैं बता दूं कि हमारे सर्वे में कठेरिया साहब जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कठेरिया साहब को लिख के दिया आप जीत रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने तो लिख कर दिया था आपका भी नाम और गोपाल इटालिया जी का भी कि आप दोनों जीत रहे हैं। इटालिया नहीं जीत रहा। अच्छा, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय जी, मुझे पता है कि एमसीडी में आपको शायद पसंद आया हो, लेकिन हिमाचल और गुजरात में अब नहीं पसंद आए, लेकिन आप प्रदीप गुप्ता जी के ट्रैक रिकॉर्ड से वाकिफ है और पंजाब में हमने 90 सीटें दी थी, आपकी वहां पर सरकार बनी। हमारा ये सर्वे कह रहा है सर कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस आपकी नहीं है गुजरात में, हालांकि आप 2 डिजिट में पहुंच रहे हैं, एवरेज 15 है बीच में अगर आप निकालिए तो, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। नंबर टू पर कांग्रेस है, क्योंकि इस बार लड़ाई नंबर टू की अगर थी तो उसमें नंबर टू पर कांग्रेस है, और जो ये बिल्किस बानो का मुद्दा नहीं उठाना और नोट पर गणेश जी लक्ष्मी जी का मुद्दा उठाना, ये दोनों आपके लिए भारी साबित हुआ। संजय जी, देखिए अंजना जी, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, 2013, 15, 20 का इलेक्शन और पंजाब का चुनाव, इन सारे चुनावों को अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ना तो ओपिनियन पोल में आती है ना एग्जिट पोल में आती है, और माफ कीजिएगा, आज तक ने ही 6 सीटें दी थी 2013 में, उठा के देख लीजिए आप, 28 सीट जब हमारी आई थी तो हमें 6 सीट दी गई थी। तो इसलिए गुजरात का चुनाव परिणाम अप्रत्याशित आएगा, और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, जो गारंटी कार्ड है 300 यूनिट बिजली फ्री का, 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का, माताओं बहनों को महिला सम्मान निधि 1,000 रुपए प्रतिमाह का, लाखों परिवारों ने गुजरात के अंदर वो कार्ड भरे हैं, उस पर भरोसा दिलाया जताया है अरविंद केजरीवाल के उस गारंटी कार्ड पे, और उसके नाम पर सुदूर इलाकों में भी जहां आप जाएंगे आपको आम आदमी पार्टी के पक्ष में और परिवर्तन के नारे गूंजते हुए मिलेंगे वहां की सरकार के खिलाफ। तो नंबर टू या नंबर वन कहां पे देख रहे हैं अपने आप को? अब संजय जी, जाहिर सी बात नंबर टू पे या नंबर वन पे कहां देख रहे हैं?
आपके चैनल पे हमारे नेता ने ही, अरविंद केजरीवाल जी ने ही नंबर वन पे लिख के दिया है, तो हम तो 8 तारीख तक इंतजार करेंगे। 8 तारीख को चुनाव परिणाम आने दीजिए और तो मैं वोटिंग आपके खत्म हो गई है सर, अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, अब तो वोटिंग खत्म हो गई है। हाँ मैं, अब तो वोटिंग खत्म हो गई है। बिल्किस बानो का मुद्दा उठाना चाहिए था या नहीं आपके शीर्षस्थ नेताओं को? संजय जी, बिल्किस बानो का मुद्दा जिस पार्टी की सरकार में, जिस पार्टी के राज में यह घटना हुई, उनसे कितनी बार पूछा गया? आपने पूछा, बिल्कुल मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होने वाली पार्टी, आप पूछे ना, भारतीय जनता पार्टी कहां कहां किन किन बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई, क्यों नहीं बोलते ये लोग?